कोरोना के बढ़ते मामलों पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बयान दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ऑक्सीजन की कमी को लेकर सरकार की क्या कोशिश है। वो बढ़ रहा है और केवल बढ़ रहा है, इसकी जानकारी पूर्व अनुमानों से तो की जा सकती थी, लेकिन जितना अनुमान था उससे बहुत अधिक बढ़ रहा है। अगर वर्षा के दिनों में बाढ़ आए इसका अनुमान तो लगाया जा सकता है, लेकिन बाढ़ की बजाय सुनामी आ जाएगी इसका अनुमान नहीं था। यानी पिछली बार भी पहली जो लहर थी उस लहर में हमारा मैक्सिमम जो डेली का आंकड़ा वो 3100 के लगभग गया था, और फरवरी आते आते लग रहा था कि चीज़ें अब काबू में आ गई हैं और चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि अभी कल का आंकड़ा 11,931 ये कोविड का यानी जो केसेस हैं पर डे के, तो कल अधिकतम 11,931 लगभग 12,000, जो पहले से 4 गुना ऐसा ही आंकड़ा है। जितनी हमने पहले बना ली थी 3,100 पर डे आने के हिसाब से, उसी हिसाब से उसकी रेशो भी जो मेडिकल व्यवस्थाओं के नाते से, हेल्थ की व्यवस्थाओं के नाते से बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद लगातार आवश्यकता जो बढ़ रही है उसके लिए भी हम तैयार हैं, और लगातार उसके लिए पूरा डिपार्टमेंट्स, सारे हमारे ब्यूरोक्रेट्स, पूरी सरकार और एनजीओस, जनता वो भी पूरा सहयोग कर रही है। इसमें हमको जो थोड़ा सफलता की जिसको कहना चाहिए कि एक अच्छी बात का जो संकेत है वो ये कि हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी कंट्रोल में है। बहुत से प्रांतों का तो मोर्टेलिटी रेट 3% तक भी गया है, लेकिन हमारा 1.1% जो पिछली बार था उस पहली लहर में, अभी 0.88 है। अर्थात रेगुलर अब जो केसेस आ रहे हैं उसमें से ठीक पर्याप्त संख्या में हो रहे हैं, और हालांकि डेथ्स जो हो रही हैं उनका बहुत एक कष्ट है, एक दुख है। एक एक मृत्यु के पीछे जो मन का भाव यही जाता है कि जैसे परिवार का एक आदमी चला गया है, लेकिन बहुत सी व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जो हमारे काबू में नहीं रहती हैं। प्रकार के ऐसे संकट जो हमको देखने को मिल रहे हैं उसमें सबसे बड़ा संकट जो है वो हमारे सामने आया है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन, इतने सारे लोगों को मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी ये सोचा नहीं था। हालांकि ऑक्सीजन जो है कुल मिलाकर कमी नहीं है अगर हम देशभर की सारी बात करें, और मेडिकल एजुकेशन की, लिक्विड एजुकेशन की तो कमी है, लेकिन गैसियस फॉर्म में है हमारे पास। गैसियस फॉर्म की ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, और अगर दूर दराज के एरिया में ज़्यादा अगर लिक्विड भी है तो वहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत काफ़ी आ रही है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, फिर ले जा करके उसके सिलेंडर्स में रिफिलिंग करना, फिर उसके माध्यम से हर एक इंडिविजुअल पेशेंट को सप्लाई पहुँचाना। नए हॉस्पिटल भी जो हम बना रहे हैं उसकी भी जो सप्लाई है वो भी अपने आप में एक बड़ा काम है। तो इस नेटवर्क को तैयार करने के लिए लगातार हम लगे हुए हैं। मैं एक दिन पहले 5 स्थानों पर होके आया, और जो एक्सपेंशन के हमारे काम हैं या गैस सप्लाई के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसी को देखने के लिए गया था। पानीपत मेरा जाना हुआ, वहाँ पर गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन हमारे पास उपलब्ध है, तो 500 बेड का हॉस्पिटल, उसकी तैयारी के लिए मैं आ गया था। इसी प्रकार से हिसार, वहाँ भी गैसियस फॉर्म में हमारे पास ऑक्सीजन उपलब्ध है, तो वहाँ एक विद्यालय जो जिंदल मॉडल स्कूल है उनका, जिंदल जो पाइप्स वाले हैं उन्हीं का अपना है, और एक उसी का प्रांगण, 3 एकड़ का प्रांगण है उसमें भी, तो दोनों मिला करके लगभग 650 बेड्स की व्यवस्था उन्होंने वहाँ करनी शुरू कर दी है। रोहतक PGI में व्यवस्था पर्याप्त है, 650 नए बेड्स की व्यवस्था उन्होंने की है, लेकिन चूँकि ऑक्सीजन की सप्लाई अभी कम है इसलिए ऑक्सीजन के कारण से ही उसको देरी हो रही है, उसको प्रारंभ करने में, चालू करने में। 150 बेड अभी सप्लाई कर वो चालू कर रहे हैं,
500 बेड जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त बढ़ती है वो तुरंत चालू होंगे। ऐसे ही फरीदाबाद में एक मेडिकल कॉलेज जो किन्हीं कारणों से बंद हो गया था, गोल्ड फील्ड मेडिकल कॉलेज, बाद में सरकार ने उसको टेक ओवर किया है और उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से के साथ जुड़ा गया है। उस हॉस्पिटल को नए सिरे से रेनोवेट कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज को, वहाँ भी एक 100 बेड की तुरंत व्यवस्था वो करनी शुरू कर दी है। सामान उसका प्रोक्योर किया जा चुका है और कभी भी वो शुरू कर सकते हैं। गुरुग्राम में एक संस्था, प्राइवेट एक कॉरपोरेट है, तो उन्होंने अपने यहाँ एक गेस्ट हाउस बनाया हुआ था, उसी को हॉस्पिटल के रूप में उन रूम्स को परिवर्तित करके 250 बेड की व्यवस्था वो भी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स जो हैं नर्सिंग स्टाफ के या मेडिकल कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं फोर्थ ईयर के या जो इंटर्नशिप कर रहे हैं उनको भी सबको हम लगा रहे हैं। साथ ही वॉलंटियर्स इस नाते से जो अपने आप को ऑफर करते हैं, रिटायर्ड लोग हैं, बाकी सब हैं, उनकी भी जगह जगह से जो हमको सप्लाई मिल रही है उनको भी उपयोग में ला रहे हैं। हमारी जो सरकारी व्यवस्था में IAS, IPS, HCS, HPS या IFS, इस नाते से भी बहुत से डॉक्टर्स हैं, MBBS हैं, MD हैं, जिन्होंने कोर्सेज किए हुए हैं लेकिन सर्विसेज में आ गए, उन सबको भी हमने कहा है कि इस समय में उनको भी वहाँ से निकाल करके और सेवाओं को लेने के लिए इसके अंदर लगाया जाए, उसकी भी योजना सारी बनी है। तो ऐसा पूरी शक्ति, पूरी ताकत, चाहे वो सरकार की है, ब्यूरोक्रेट्स की है, जनता की है, संस्थाओं की है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की है, वो सब उसके अंदर हम ले रहे हैं। और मैं आवाज़ दिलाता हूँ कि एक एक दिन हमारी जैसे व्यवस्थाएँ ठीक हो रही हैं उसकी ठीक होते ही सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहेंगी, काबू से बाहर। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।